एक और के एम साइकिल वीक के नाम से मशहूर है इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं ये के वीग ने आ, 1993 में अपनी एक बुक में जिसका टाइटल था नॉलेज मैनेजमेंट फाउंडेशंस ये अमेरिकन एक बुक है इसमें इस मॉडल इस को पेश किया आ, इस मॉडल में आ, तीन कंडीशंस बताई गई हैं जो किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं उसमें सबसे पहली ये है इट मस्ट हैव अब बिजनेस अब इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों या दोनों हों और फिर उसके पास कस्टमर्स हों कि जो उन प्रोडक्ट्स को ले सकें या उन सर्विसेज को परचेज कर सकें इसमें दूसरी शर्त थी इट मस्ट हैव रिसोर्स कि बिज़नेस को रन करने के लिए दे मस्ट हैव पीपल कैपिटल फैसिलिटीज एट्सट्रा ये उसके पास हो और तीसरी जो सबसे लाजमी बात थी वो ये थी इट मस्ट हैव द एबिलिटी टू एक्ट अब ये जो एबिलिटी टू एक्ट है इसी को एम्फेसाइज करके इसी को फोकस करके तो इन्होंने जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट का साइकिल प्रपोज किया अब इस साइकिल में है क्या वी आइडेंटिफाइज द मेजर पर्पज ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एज एन एफर्ट एफर्ट किस लिए टू मेक द एंटरप्राइज इंटेलिजेंट एक्टिंग बाई फेसिलिटेटिंग द करिएशन केमुलेशन डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ क्वालिटी नॉलेज कि वो एक इंटेलिजेंट एक्टिंग वो कर सके और इन सारे मकासद को हासिल करने के लिए जो किसी भी बिज़नेस के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वर्किंग स्मार्टर इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल द बेस्ट नॉलेज वी हैव अवेलेबल कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट नॉलेज है अवेलेबल उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करके तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो उसे हम एक स्मार्ट वर्किंग कहेंगे वी के एम साइकिल एड्रेस हाउ नॉलेज इज़ बिल्ट एंड यूज एज इंडिविजुअल्स और एज ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से नॉलेज बनाया जाता है और किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है उसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल भी आती है इसके एडवांटेजेस की भी बात की गई कि वीक्स के मॉडल के, के या इसके साइकिल के एडवांटेजेस क्या हैं अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी इज़ पुट इन टू यूज़ इन ऑर्डर टू जनरेट वैल्यू फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इट्स सेल्फ तो इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी या इंटेलेक्चुअल एसेट को इस्तेमाल में लाया जाता है कि जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद हासिल किए जाते हैं और वीग आल्सो एम्फेसाइजिज द रोल ऑफ नॉलेज एंड स्किल द बिजनेस यूज ऑफ दैट नॉलेज कंस्ट्रेंट्स दैट मे प्रिवेंट दैट नॉलेज फ्राम बीइंग फुली यूज अपॉर्चुनिटीज एंड मैनेजिंग दैट नॉलेज एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन